तुम कट ऑफ से भी डर गए, तुम सच का सामना नहीं कर पा रहे हो कि सर अच्छा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, अपनी हार को स्वीकार करते हैं और अगली चीज के लिए तैयार होते हैं सर, बेटर करेंगे, याद रखना, चाहे 50 पोस्टें आए चाहे 100 पोस्टें आए, इतना स्ट्रोंग बनो याद रखना, और इतने स्ट्रोंग नहीं हो तो याद रखना जीने का हक नहीं है, लोग कुचल कुचल के तुम्हें आगे बढ़ेंगे और 100% बढ़ेंगे याद रखना। मैंने कहा नौकरी लगने के बाद हजारों तूफान आएंगे, हजारों लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, और यदि तुम इतने कमजोर हो ना तो तुम्हारी लुगाई जो है ना बात हर जूता मार के काटेगी बड़े, वो लुगाई तुम्हारी इंसल्ट करेगी बीच बाजार में दुकान के ऊपर, मर जाओगे तब तो तुम बुरी स्थिति में आ जाओगे, या तुम यदि महिला हो तो तुम्हारा आदमी कर देगा, कहीं 50 आदमी में जीने का हक ही नहीं बचा तुम्हारा, तो तुम इतने कमजोर हो, सामना करो ना यार, सच क्या है क्या नहीं है, ये कट ऑफ से डरिए मत, सामना कीजिए। मैं अच्छा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है सर, ये कमियां थी, 5 कमियां थी, इन 5 कमियों को कागज पे लिखो, चिपकाओ कि ये कमियां अगली बार नहीं दिखनी चाहिए, और अगली बार जो भी सामने आ रहा है उसे बेटर करना है, इतनी ताकत रखना सीखो याद रखना। ये मेरे कहने से नहीं है, जरूरी नहीं है हर बार रतन सिंह चुड़ावत को बचाने के लिए, रतन सिंह चुड़ावत के अंदर के भय को समाप्त करने के लिए हाड़ा रानी सलह कंवर अपनी गर्दन काट के देगी, कभी नहीं होगा, जरूरी नहीं है हर बार रतन सिंह को बचाने के लिए गोरा बादल और पद्मावती को खड़ा होना पड़ेगा, संभव नहीं है याद रखना। जरूरी नहीं है उदय सिंह को बचाने के लिए हर बार पन्ना धाय मिलेगी और अपने बेटे का बलिदान करके बचा लेगी, जरूरी नहीं है साहब, जरूरी नहीं है शेर शाह सूरी के सामने मालदेव के भागते हुए कदमों को देखकर चेता और कूफा अपने कदम रोक के सामना कर लेते हैं, जरूरी नहीं आपको मिलेंगे, जरूरी नहीं है अकबर के आक्रमण को देखते हुए और उदय सिंह को जंगल में भेजकर जयमल सामना कर लेगा, जरूरी नहीं है हर बार ऐसे लोग मिलेंगे, खुद की लड़ाई खुद से लड़िए, ठीक है, जरूरी नहीं है धीर सिंह सर तुम्हारे सारे हमेशा तुम्हें जीतने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, जरूरी नहीं है, खड़ा तो होना है, खुद के अंदर ताकत पैदा करनी है, विश्वास पैदा करना है,